मैंने पहले भी कहा था कि दिल्ली सरकार प्रदूषण की समस्या से निपटने में गंभीर नहीं है। गंभीरता अगर होती तो आज छठा साल है। जब 2015 से ये समस्याएं आनी शुरू हुई और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई, तो सरकार का ये काम होता है कि कोई समस्या जब हर साल आती है तो उसके लिए प्लानिंग करना, उसकी एग्जीक्यूट करना और उसका क्रियान्वयन करना, जिससे कि वो समस्या से निजात मिले। वो हर साल वही स्टेटमेंट देते हैं। जब पिछली बार यमुना जी में अमोनिया का स्तर बढ़ा तो उन्होंने कहा अगली साल नहीं होगा, लेकिन दिल्ली सरकार ने क्या किया? अभी तक कुछ नहीं किया। और अमोनिया आना पानी में बहुत हानिकारक होता है। लोगों को अगर अमोनिया युक्त पानी सप्लाई होता है तो इससे लोगों की स्वास्थ्य पर कितना फर्क पड़ेगा, उनकी चाहे वो लीवर हो, किडनी हो, इस तरह की समस्याएं से परेशान हो जाएंगे लोग। और जब जबकि ऑलरेडी कोरोना जैसा महामारी चल रही है तो वैसे ही लोग परेशान हैं। दिल्ली में पानी जो आता है वो 3 नदियों से आता है, गंगा नदी, यमुना नदी और ब्यास नदी। गंगा नदी का जो पानी है वो एनुअल मेंटेनेंस के चलते, गंगा कनाल की एनुअल मेंटेनेंस उत्तर प्रदेश कर रहा है, जिसके चलते जो गंगा वाटर हमारे यहाँ आता था वो नहीं आ रहा। ये हर साल होता है अक्टूबर के महीने में। इसी समय दुर्भाग्यपूर्ण इस बार हरियाणा जो पानी यमुना नदी का छोड़ता है, उस नदी के पानी में पल्यूटेंट ज़्यादा आ गए, गंदगी ज़्यादा हो गई, अमोनिया बढ़ गया। तो एक प्रकार से गंगा नदी का पानी हमारा बंद हो गया, क्योंकि गंगा कनाल की रिपेयर उत्तर प्रदेश सरकार कर रहा था। और दूसरी तरफ से जो हरियाणा से यमुना नदी हमारे यहाँ आती है, जिसका पानी हम घरों तक पहुँचाते हैं, उस नदी के पानी में पल्यूशन आ गया। ये तो रुका ही हुआ था, अब जो यमुना नदी का पानी था इसे भी हमें कहीं ना कहीं पहले अमोनिया लेवल इसका कम करना पड़ा, और उसके चलते हमें अपने 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बंद करने पड़े थे, भागीरथी और सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जो कुल मिलाकर 250 मिलियन गैलन्स प्रतिदिन की वाटर प्रोडक्शन करते हैं। ये पहले की स्थिति थी, आज से 24 घंटे 36 घंटे पहले की स्थिति। कल और परसों पूरा दिन दिल्ली जल बोर्ड के तमाम अधिकारी वॉर फुटिंग पे काम कर रहे थे, युद्ध स्तर पे काम कर रहे थे। और आज मुझे आपको बताते हुए बेहद खुशी है कि 70% स्थिति सामान्य हो गई है। हमारे ये दोनों प्लांट्स जिनकी वाटर प्रोडक्शन घट गई थी और जिसके चलते पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली में पानी की समस्या आ रही थी, वो 70% हल हो चुकी है। और ये दोनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स अब इस समय 70% कैपेसिटी पे चल रहे हैं। कुछ ही घंटों में अमोनिया का स्तर और कम होगा। हम हरियाणा सरकार और यूपी सरकार से लगातार संवाद कर रहे हैं और उसके चलते हमारे ये दोनों प्लांट्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, चाहे भागीरथी हो या सोनिया विहार हो, दोनों 70% कैपेसिटी से बढ़कर 100% कैपेसिटी पे काम करेंगे और सबके घर में पानी पहुंच जाएगा। कल शाम तक ही, मैं आपको बता दूं, ये दोनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जिनकी कैपेसिटी घट गई थी, जिन्हें हमें बंद करना पड़ा था, इसको हमने वापस रिज्यूम किया और बढ़ाते बढ़ाते हम इन दोनों प्लांट्स को 100% प्रोडक्शन कैपेसिटी पे चलाने लगे थे। लेकिन क्योंकि रात को फिर से अमोनिया का स्तर थोड़ा सा बढ़ गया, आज सुबह भी अमोनिया का स्तर यानी कि यमुना नदी के अंदर पॉल्यूशन फिर बढ़ गया, उसके चलते हमें इन दोनों प्लांट्स की कैपेसिटी को फिर थोड़ा सा कम करना पड़ा, 100 से घटाकर 70 पे करना पड़ा। लगातार हमारे तमाम इंजीनियर्स, हम खुद ग्राउंड पर हैं, लगे हुए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा सरकार के सहयोग से, उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से बहुत जल्द ये दोनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स फिर से चलेंगे 100% कैपेसिटी पे, और अमोनिया का स्तर जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ घटता जा रहा है और कम हो जाएगा और स्थिति सामान्य हो जाएगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।